स्वागत है आपका सर केशव माधव के चैनल पे। आप कस्टमर के तौर पे हमारे साथ कितने समय से जुड़े हुए हैं और आपके बारे में जो प्राइमरी आपका दुकान है या आप कहाँ से हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे सर? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। 60 कलेक्शन शॉप रन कर रहा हूँ वहाँ पे। बेसिकली हम मुंबई में रहते हैं लेकिन उत्तराखंड में शॉप चालू कर रहे हैं। मैंने ये बिजनेस चालू किया था वन ईयर, लास्ट ईयर एक साल होने को आया है और तब से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। सर अभी तक सूरत का अनुभव अगर आप देखने जाएं, सूरत में कितने दुकानदारों से आप काम कर चुके हैं और आपका अनुभव एकंदर कैसा रहा, मतलब एवरेज पे आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, सूरत में कैसा है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ से क्या चीज़ मिलने वाला, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमको कहाँ से क्या चीज़ लेना है, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ समय बिताना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। इधर से कोई भी मतलब 10-20 ऐसे आउटलेट है जहाँ पे मैंने सर्वे किया और उनके साथ में रहा और उसके बाद में मैंने यहाँ से चालू किया, तो यहाँ पे मुझे वही काफ़ी कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। सर आपका सबसे अच्छे में अच्छा अनुभव आप शेयर करें, भले नाम लेना चाहे नाम लीजिए, नाम ना लेना चाहे आपकी मर्जी है। मैंने केशव माधव फैशन, उनके मैंने मैं एक्चुअली में उनका रिव्यू भी देखा था। तो रिव्यू में क्या होता है कि अच्छे रिव्यू तो सभी कोई क्रिएट कर सकता है और वहाँ पे जेन्युइन रिव्यू अच्छे जो रॉन्ग किसी के बारे में कुछ अगर रिव्यू है, तो मैंने काफी लोगों के देखे कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे इनका देखा था केशव माधव फैशन में, तो उनके पास में एक भी रिव्यू ऐसा नहीं था कि जो नेगेटिव गया हो। तो मुझे लगा कि नेगेटिव अगर नहीं गया इसका मतलब जेन्युइन बायर इनके पास में जुड़े हुए हैं, तो मैं जुड़ा, तो उस हिसाब से मैं इनके साथ में एक साल से काम कर रहा हूँ। सर मतलब आपके कहने के हिसाब से अगर किसी को नया एंटर करना है और वो रिसर्च कर रहा है गूगल पे प्रॉपरली, तो उसे रिव्यू पे ध्यान देना चाहिए। रिव्यू डेफिनेटली रिव्यू, मैं आपको बता सकता हूँ कि रिव्यू आप अच्छे रिव्यू क्रिएट करा सकते हैं, बुरे तो नहीं करा सकते ना। इसका मतलब बुरा जिसने रिव्यू दिया हुआ है वो जेन्युइन रिव्यू है, वो उसको आप सही मान के चलिए कि ये गलत रिव्यू किया इसका मतलब गलत हुआ इनके साथ में। लेकिन मैंने इनके जितने वीडियो देखे आज तक, जितने भी एक आदमी तो बोले कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, जो चीज़ दिखाई उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन अगर हम परचेज करते हैं तो एक भी चीज़ रिटर्न हुआ या मेरे को गलत चीज़ दिया नहीं हुआ। और वो एकदम जेंटलमैन आदमी राकेश अग्रवाल जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, तो काफ़ी जेन्युइन बंदे हैं वो। सर सूरत में सबसे अच्छा अनुभव आपने बयां किया, बुरा अनुभव क्या रहा या क्या सीखा? बुरा अनुभव का तो ये नहीं था, लेकिन इतना बुरा हुआ नहीं क्योंकि मैं इसमें रिसर्च कर चुका था। अगर आप डायरेक्टली आते हो, अगर आपने YouTube देखा, YouTube पे देखा किसी ने अपना, तो यहाँ पे ऐसे भी है कि लो रेंज दिखा के और हाई, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं था, मेरे पास लो रेंज के कस्टमर ही नहीं, मेरे को तो हाई रेंज और मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट पे ध्यान देना था। तो ऐसा दिखाने के बहुत सारे ऐसे भी है कि जो खाने पीने का भी बोलते हैं कि यहाँ पे रहने का फ्री है, ये वो है वो है, तो वो तो उससे तो नहीं होता ना। माल हम जिस चीज़ का, हमको ये नहीं, हम होटल इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, हम यहाँ पे सामान लेने हैं, हमको बेस्ट मिलना चाहिए। खाने पीने का ऑफर जो आप कह रहे हैं काफी यूट्यूब पे हैं, हाँ अग्रेड यूट्यूब पे हैं, आप इनके वहाँ कभी गए हैं, आपका अनुभव मतलब ट्रीटमेंट के तौर पे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने कस्टमर जब यहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कस्टमर आए थे तो कस्टमर बताते हैं ये सब कि ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे से उन्होंने ओरिजिनल पैन कार्ड ले लिया। ओरिजिनल पैन कार्ड तो कोई भी नहीं लेता कहीं भी, नहीं ऐसा होता नहीं, आप जरूर देते हो, इसका मतलब आप वहाँ पे ले बाध्य हो गए हो। हमको क्रिएशन पसंद आना चाहिए या नहीं आए, तो जरूरी नहीं है कि हमको वहां से लेना है, हमको जो जो हमारे मतलब की चीज है उसको हम अननेसेसरी होल्ड तो नहीं कर सकते ना। दोस्तों ये है सृष्टि क्रिएशन से, सर नाम आपका मैं थोड़ा भूल गया, संदीप डबराल मेरा नाम, संदीप डबराल जी सृष्टि क्रिएशन उत्तरांचल से हैं, कोटद्वार सॉरी उत्तराखंड से हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में सर आपको एतराज ना हो तो मैं आपका नंबर या आपका स्टोर का नाम जी, तो दोस्तों नंबर स्टोर का नाम आपको खुद भी खराज करनी है, अगर आपको खराई करनी है चेक करना है आप कर सकते हैं बेझिझक होकर। कहीं ना कहीं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिले। सर आखिरी सवाल जाते जाते कि आप जो नया शुरू करते हैं, आप लोगों ने शुरुआत की थी जब भी, तो आपने ऑलमोस्ट कितना पैसा डाला था शुरुआत में? नहीं, शुरुआत में हमने 2 लाख से स्टार्ट किया था। ओके, बट इस बिजनेस में आने से पहले क्या होता है कि अगर हम अपडेशन में रहना पड़ता है। अपडेशन कैसा है यहाँ पे, अब मैं इनसे क्रिएशन मांगता हूँ, अग्रवाल जी से मैंने बात की कि लास्ट टाइम मैं लेके गया था, अभी नहीं है, अभी दूसरा चल रहा है, इसमें अपडेट रहना बहुत जरूरी है। मार्केट क्या चल रहा है, कहाँ मार्केट जा रहा है, हम कहाँ पे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास में पुराना माल पड़ा है, मैं नया नहीं रख रहा हूँ, ये बिकेगा, ये तभी बिकेगा जब आप नया रखेंगे। नया क्रिएशन के साथ में आपको
पुराना ऑटोमेटिकली कोई कोई ना कोई उसका आएगा, लेकिन हम उसके लिए होल्ड नहीं कर सकते, हमको अपडेट रहना है। ऑटोमेटिकली अपने पास में सेल होता जाएगा, और इनको कभी भी इनका जो भी अपना नया कैटलॉग आता है हम इनसे मंगाते हैं नया क्या चीज आया उसके बाद। लेकिन मेरे को दिक्कत नहीं थी, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, मैं इजीली ट्रेवल कर सकता हूँ। लेकिन जिनको अगर प्रॉब्लम भी है तो जेन्युइन, अगर आपको बताऊं मैं तो यहाँ पे आके आपको कभी भी चीटिंग नहीं होगा। वन ऑफ द बेस्ट सेलर सूरत में मैं बोल सकता हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, अब मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्यों जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जुड़ा हूँ कि यहाँ पे बेस्ट है, तभी जुड़ा हुआ ना मैं भी, नहीं तो मैं भी तो मैं तो पूरे सूरत में कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं कि जिसके पास मैं न गया हूँ, सर्वे के लिए तो सब जगह गए उसके बाद में चल। शुक्रिया सर। और बेसिकली आपके हिसाब से जो लोग 10,000, 20,000 या 30,000 में दुकान शुरू करने की सोच रखते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? वो अपने पहले अपने अगल बगल जो भी है किस टाइप का फैब्रिक चलता है, किस टाइप के आपके पास में क्लाइंटल है। जैसे मेरे पास में मैं लो रेंज ये नहीं है, अब मैंने अगर कोई चीज महंगी ले ली, सस्ती ली और वो मेरे पास बिकी नहीं, तो वो तो मेरे लिए महंगा हो गया। और महंगा आइटम है कोई अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है वो बिक गया तो वो अपने लिए वो सस्ता है ना। तो इसके लिए क्या है कि आप अपने अननेसेसरी आप वीडियो देखे, कहीं भी वीडियो देखते हो 50 रुपए की, 60 रुपए की साड़ी, कैटलॉग 60 रुपए 70 रुपए, तो उसके पीछे मत जाइए। वो तो आप सेल कभी भी नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ एक कस्टमर अट्रैक्शन के लिए वीडियो बनाया जाता है, उसका मीनिंग भी नहीं है कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं भी देखा हूँ यहाँ पे 70 40 रुपए की 50 रुपए की मिलती है, लेकिन क्या मिलती है वो, उसमें कोई भी नहीं, जो लॉट का माल रहता है उसमें से कोई भी एक टाइप का नहीं रहेगा, अलग अलग टाइप के, ये सब जो बचा हुआ रहता है उसको उसका वीडियो डाल दिया, उसके बाद में लोग उसके पीछे जाते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं चीटिंग आपको फेस करना, फिर आप नाम खराब करते हो कि यहाँ पे सूरत में ये होता है, मेरा हुआ दूसरे का हुआ। सर मैं वही कहना चाहता था, सूरत एज अ होल अगर आप सूरत पूरा मंडी देखें तो सारे के सारे तो चोर कहीं नहीं मिलते हैं। कई मंडियों में थोड़े बुरे मिलते हैं, थोड़े ज्यादा बुरे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं तो थोड़े अच्छे ज्यादा भी मिलते हैं। सर जाते जाते सिर्फ इतना बता दें कि आने वाला कस्टमर, मतलब आने वाले दुकानदार जो अपना दुकान शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सूरत मंडी में से जो आते हैं भाई व्यापार करने की सोच लेकर, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? हाँ, मेरा तो ये है कि आप कोई भी वीडियो जब देखते हो अपडेशन में तो रिव्यू देखा करो, किसका रिव्यू है। मैं बता रहा हूँ कि रिव्यू जो रिव्यू अपने फेवर में कोई भी कर सकता है ना, आपने अपने फैमिली मेंबर किसी को भी फेवर, जो रॉन्ग बोला है वो रिव्यू है। अगर वो एक भी रॉन्ग है तो वो गलत है। एक रॉन्ग मैं समझता हूँ किसी ने एक भी बोला है तो क्यों बोला है, और रिव्यू के बाद में मैन्युफैक्चरर ने क्या रिएक्शन है उसमें, कभी कभी आप देखेंगे रिव्यू के बीच में उनका कोई रिएक्शन है, अच्छा रिएक्शन के लिए वो बोलेंगे थैंक यू वेरी मच आपके कॉपरेशन के लिए, ये सब बोलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, एक भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता सकता हूँ एक ऐसा माधव फैशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक भी रिव्यू गलत नहीं मिलेगा। आप 100 रिव्यू देख लो, गूगल में जाके चेक कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे बिलीव करो, आप ये करो, और जो रेटिंग होती है रेटिंग बढ़ाने को सब बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई रॉन्ग रिव्यू को सही नहीं कर सकता है। शुक्रिया सर, आपका व्यापार सुखमय रहे यही हमारी आशा है। मिलते हैं फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद।